तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास विद कार्तिक में। आज की वीडियो में मैं आपको शमीप के प्लांट की कटिंग लगाना सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शमीप के कटिंग लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेंसिल साइज की आपको एक ब्रांच लेनी होगी, जिसकी ना बिल्कुल पेंसिल की तरह हो और वो ना ज़्यादा पतली हो, जैसे कि ये इतनी पतली कटिंग हमारी नहीं लगेगी। हमें थोड़ी मोटी कटिंग लेनी है, तो हम इसको यहाँ से काट लेंगे एक पेंसिल की हाइट का। और ये वाली कटिंग आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मैच्योर कटिंग है, ये भी हमारी जल्दी लग जाएगी। ये देखिए पेंसिल की नोक की है बिल्कुल। तो चलिए अब इसको हम ऐसे करके काट लेते हैं और जो भी हमारी रिमेनिंग पत्तियाँ वत्तियाँ हैं उसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपनी कटिंग को अच्छे से काट लिया है। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर एक 45 डिग्री एंगल का एक बहुत बढ़िया सा कट लगाना होगा, उससे हमारी रूट्स जल्दी डेवलप करेंगी। दोस्तों, ऐसा कुछ कट आपको भी लगा लेना है और थोड़ा सा यहाँ तक आपको इसको ऐसे रफ कर देना है और इसके ऊपर वाली लेयर को, ब्राउन लेयर को आपको हटा देना है और हरी वाली लेयर को दिखना होना चाहिए, यहीं से हमारी रूट डेवलप करेंगी। तो इतना दोस्तों काफ़ी है, ऐसे ही आप कर लें। और चलिए अब इसको मैं इसके लिए पॉटिंग मिक्स बताता हूँ, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है आपको। तो दोस्तों, हमने पॉटिंग मिक्स में अपने, ये आप देख सकते हैं जो मेरे हाथों में ये चीज़ एक कंपोस्ट की खाद है, ये भी ज़रूरी होता है कटिंग लगाने के लिए। आप इसको भी लगा सकते हैं या फिर अपनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी मिट्टी को ले लेंगे और पहले थोड़ा सा ये डाल देते हैं, फिर थोड़ी मिट्टी और फिर ऊपर से थोड़ा और डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से बिठा देंगे, थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से और लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है। अब इस कटिंग को हमें इसके बीच में पूरा अंदर तक, यहाँ तक इसको लगा देना है। पूरा इसको नीचे तक दोस्तों हम लगा देंगे और ऊपर तक थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारी कटिंग को हमने अच्छे से लगा दिया है और ये देखिए इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे मिट्टी भी अच्छे से चढ़ा दी है। थोड़ी सी मिट्टी आपको रखनी है, थोड़ा सा बस पानी भर के रखना है और इसको टाइटली से मिट्टी से चिपका देना है। ये मिट्टी से हिलना नहीं चाहिए दोस्तों, वरना रूट अच्छे से डेवलप नहीं होगी। अब इसको हमें अपने शेड में कुछ दिनों के लिए रख देना है और पानी नॉर्मल डालते रहना है और कुछ दिनों बाद हमारी शमी में रूट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों, मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।